नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एकांत श्रीवास्तव जी की कविताएं लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, एकांत श्रीवास्तव ऐसे कवि हैं जिनकी कविताओं में देसीपन का ठाट बोलता है। उनकी कविताएं बिल्कुल देश की मिट्टी की सुगंध लिए हुए हैं। उनकी कविताओं के संग्रह के नाम भी आप देखेंगे तो उसमें भी वो आपको देसीपना दिखेगा। अन्न है मेरे शब्द, मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद। तो उनकी आज कुछ कविताएं मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। पहली कविता का शीर्षक है ताजमहल। यह एक प्रेम कविता है, किंतु यहाँ ताजमहल जो है जिस रूप में है उस रूप में ताजमहल का चित्रण यहाँ उन्होंने नहीं किया है, एक भिन्न अर्थ में किया है। आइए देखते हैं। तुम प्रेम करो मगर ताजमहल के बारे में मत सोचो। यूं भी यह साधारण प्रेमियों की हैसियत से बाहर की वस्तु है। अगर तुम उस स्त्री को जिसे तुम प्रेम करते हो कुछ देना चाहते हो तो बेहतर है कि जीवन रहते दो। मसलन कार्तिक की क्यारी से कोई बड़ा पीला गेंदे का फूल, यह अधिक जीवंत उपहार होगा। यूं भी इतिहास गवाह है कि जो ताजमहल बनाता है उसके दोनों हाथ काट दिए जाते हैं। अगली कविता जो है उन्होंने बाल मजदूरी पर लिखी है। किस तरह से जो है बहुत से बच्चे, असल में उनको मजबूर तो नहीं किया जाता है लेकिन उनके हालात जो है उनको मजबूर करते हैं कि वो उस तरह की परिस्थिति में जाएं। बाल मजदूरी यहाँ उस तरह की बाल मजदूरी है, हालांकि मजबूर करने वाले लोग भी हैं। तो कविता का शीर्षक है करेले बेचने आई बच्चियाँ। पुराने उजाड़ मकानों में, खेतों मैदानों में, ट्रेन की पटरियों के किनारे, सड़क किनारे घूरों में उगी है जो लताएं जंगली करेले की, वहीं से तोड़कर लाती हैं तीन बच्चियाँ छोटे छोटे करेले, गहरे हरे, कुछ काई जैसे रंग के, और मोल भाव के बाद 3 रुपये में बेच जाती हैं। उन 3 रुपयों को वे बांट लेती हैं आपस में तो उन्हें 1-1 रुपया मिलता है। करेले की लताओं को ढूंढने में और उन्हें तोड़कर बेचने में उन्हें लगा है आधा दिन, तो यह 1 रुपया उनके आधे दिन का पारिश्रमिक है। मेरे आधे दिन के वेतन से कितना कम और उनके आधे दिन का श्रम कितना ज़्यादा मेरे आधे दिन के श्रम से। करेले बिक जाते हैं मगर उनकी कड़वाहट लौट जाती है वापस उन्हीं बच्चियों के साथ उनके जीवन में। अगली कविता जो है उन्होंने विशाखापट्टनम की सड़कों पर नमक बेचने वाले जो हैं लोग उनको देखकर लिखी थी, उनको उनकी इस एक्टिविटी को देखकर। कविता का शीर्षक उन्होंने दिया है नमक बेचने वाले। ऋतु की आंच में समुद्र का पानी सुखाकर नमक के खेतों से बटोर कर सफ़ेद ढेले वे आते हैं दूर गांवों से, शहर की सड़कों पर नमक बेचने वाले। काठ की 2 पहियों वाली हाथ गाड़ी को कमर से फंसाकर खींचते हुए ऐसे समय में जब लगातार कम होता जा रहा है नमक, हमारे रक्त का, हमारी आंसुओं और पसीनों का नमक, वे आते हैं नमक बेचने चिल्लाते हुए नमक नमक। सफ़ेद धोती घुटनों तक मोड़ कर पहने हुए, फटी कमीज या बनियान, सिर पर गमछा बांधे नंगे पांव, कान में बीड़ियां खोंस कर वे आते हैं और स्त्रियां अधीर हो जाती हैं उनकी आवाज़ सुनकर। वे आती हैं ड्योढ़ियों और झरोखों तक कि कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया रसोई का नमक। अपनी आवाज़ और हृदय के शहद को बचाते हुए वे बेचते हैं नमक।
अपनी आवाज़ और हृदय के शहद को बचाते हुए वे बेचते हैं नमक, अपने दुख तकलीफ़ों को नमक के खेतों में गलाते हुए वे बेचते हैं नमक, खारे और मीठे के समीकरण को बचाते हुए। एल्युमिनियम के डब्बों में पानी में डूबा भात सिर्फ नमक के साथ खाते हुए वे बेचते हैं नमक। उनकी आंखें मुंद जाती हैं, पांव थक जाते हैं, आवाज़ डूब जाती है नींद और थकान की अंधेरी गुफाओं में नमक बेचते हुए। यह दुनिया उन्हें नमक की तरह लगती है, अपने प्रखर खारेपन में हर मिठास के विरुद्ध नमक जैसी दुनिया में रहते हुए बेचते हुए नमक वे बचाते हैं कि उन्हें बचाना ही है, अपनी आवाज़ और हृदय का शहद। अंतिम कविता है, छोटी कविता, उसका शीर्षक है दुख। दुख जब हृदय में था, दुख जब हृदय में था बर्फ की तरह, पिघला तो उमड़ा आंसू बनकर, गिरा तो जल की तरह मिट्टी में रिस गया, भीतर बीज तक, बीज से फूल तक। यह जो फूल खिला है टहनी पर, इसे देखकर क्या तुम कह सकते हो कि इसके जन्म का कारण एक दुख था? तो बीज से फूल तक उनके काव्य संग्रह का भी नाम है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कवि की कविताओं के साथ। धन्यवाद।